नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली और चेतावनी देते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। सफाई संबंधी संसाधनों की कमी को लेकर जयवर्धन सिंह ने 24 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के नाली में उतरकर सफाई करने की खबर सुर्खियों में आने के बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली और चेतावनी देते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के अलावा कलेक्टर और शहर के दोनों विधायक मौजूद रहे। गौरतलब है कि खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में गंदगी की समस्या से नाराज होकर पिछले दो दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में नाला साफ कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। मंत्री जयवर्धन सिंह ने उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया है। मंत्री जी ने तो एक अभियान चलाया है, वो एक उदाहरण बन रहे हैं सबके लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक कैबिनेट मंत्री जनता के लिए संकल्प लिया है कि वो लगातार 30 दिन सड़कों पर आकर सफाई हर सुबह करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं बधाई देता हूँ इनको। लेकिन उसके अलावा चाहे हमने आज घोषणा की है कि जो सफाई के जो वाहन है वहाँ की मांग की गई है 24 करोड़ की, मैंने आश्वासन दिया है हम पूरी राशि इनको दिलवाएंगे। इसके अलावा जो भी राशि सड़कों की मरम्मत के आवश्यकता है वो भी हम पूरी करेंगे। बैठक में नगर निगम अधिकारियों ने जयवर्धन सिंह को सफाई संबंधी संसाधनों की जानकारी दी और सफाई वाहनों की कमी से अवगत कराया। इस पर विभागीय मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर निगम को वाहनों के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। जयवर्धन सिंह ने खाद्य मंत्री के नाले में उतरकर सफाई किए जाने की सराहना भी की और कहा कि स्वच्छता के लिए किसी कैबिनेट मंत्री का सड़क पर उतरकर काम करना जनता को जागरूक करने में सहायक होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।